स्वागत महोदय। हृदय की श्रद्धा समर्पित, स्नेह बंधन देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित। आप आए हृदय नम स्वागतम, शुभ स्वागतम। आज यह धरती पुनः धन्य हो चुकी है और यह कार्यक्रम अलौकिक रूप से स्पंदित होकर दिव्य और भव्य हो चुका है। आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा माननीय मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन। माननीय मुख्य सचिव जी, यदि माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा हो तो इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाए। धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदया की आज्ञा से अब इस समारोह की कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदया ने श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। राज्यपाल महोदया श्री पुष्कर सिंह धामी को शपथ दिलाएंगे। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदया ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सलाह पर जिन महानुभावों को उत्तराखंड राज्य का मंत्री नियुक्त किया है उनके नाम इस प्रकार हैं। श्री सतपाल महाराज सदस्य विधानसभा, श्री प्रेमचंद अग्रवाल सदस्य विधानसभा, श्री गणेश जोशी सदस्य विधानसभा, डॉक्टर धन सिंह रावत सदस्य विधानसभा, श्री सुबोध उनियाल सदस्य विधानसभा, श्रीमती रेखा आर्या सदस्य विधानसभा, श्री चंदन राम दास सदस्य विधानसभा,
श्री सौरव बहुगुणा सदस्य विधानसभा। अब श्री सत्यपाल महाराज कृपया शपथ ग्रहण करने हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सत्यपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सत्यपाल महाराज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री प्रेमचंद अग्रवाल कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वर से नामना शपयद। अहम विधिना स्थापस्य भारतस्य संविधानम प्रति सत्याम श्रद्धाम निष्ठां च धारयसि तथा भारतस्य प्रभुतां अखंडतां च अक्षुणां रक्षिष्यामि तथा अहम उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रीद्वयेन स्वकर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं शुद्ध अंतःकरणेन च निर्वक्षयामि तथा सर्वविधि लोकान् प्रति भीतिं पक्षपातं वा रागं द्वेषं वा विहाय यथा संविधानं यथा विधि च न्याय आचारयिष्यामि। अहम प्रेमचंद अग्रवाल ईश्वरस्य नामना शपे यत कमपि विषयम् यः उत्तराखंड राज्यस्य मंत्रित्वेन मम विचारार्थ आनयेत् मया परिज्ञातः वा भवेत् कमपि जनम् कान आपि जनान् वा प्रति एतादृश मंत्रित्वेन मम कर्तव्यानां निर्वहनार्थ यद अपेक्षिताम सयात तद्विहाय प्रत्यक्ष रूपेण अप्रत्यक्ष रूपेण वा नहीं संसूचि यस्यामि नवा प्रकट करिष्यामि। धन्यवाद। श्री गणेश जोशी कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सही प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गणेश जोशी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को त-
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। डॉक्टर धन सिंह रावत, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर धन सिंह रावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सुबोध उनियाल, कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुबोध उनियाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्रीमती रेखा आर्या, कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा आर्या ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी भी व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। श्री चंदन रामदास कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं चंदन रामदास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा व निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चंदन राम दास ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। श्री सौरभ बहुगुणा कृपया शब्द ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं भारत राज्य के मंत्री के रूप में उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ बहुगुणा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तराखंड राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। సెరెనిటీ మోడల్ హై స్కూల్ విద్యార్థులకు అమ్మఒడి సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉన్న బడి సెరెనిటీ మేడ్చల్ జిల్లాలో మేటిగా నిలిచి సాటిలేని ఫలితాలను సాధిస్తున్న నెంబర్ వన్ స్కూల్ సెరెనిటీ మా ప్రత్యేకతలు ప్రతి విద్యార్థి పట్ల వ్యక్తిగత శ్రద్ధ యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ అండ్ డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్స్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్ 100% ఫలితాలు స్పోర్ట్స్ అండ్ కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ యోగా అబాకస్ మరియు వేదిక్ మ్యాథ్స్ ఎడ్యుకేషన్ ప్లీజ్ విజిట్ Serenity Module High School, Nakaram. Admissions are in progress. Call 0402714689 and 0402714869.